अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डीप लर्निंग का, जो कि है बाई डायरेक्शन इनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको फ्रॉम द स्क्रैच। सो इसको समझने के लिए हमें प्री रेक्विजिट्स हमारे ये हैं कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के पता होने चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स होते क्या हैं, एंड हाउ द अटेंशन मैकेनिज्म वर्क्स, कि हमारा अटेंशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इन केस यू आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है और अटेंशन मैकेनिज्म, तो आप इसको पढ़ के आएँ इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बार्ट मॉडल। इसकी कोर्स आउटलाइन में हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज मॉडल्स, ट्रेनिंग इन्फेरेंस आ जाता है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आ जाता है, इनकोडर होता है ये जो कि डिकोड करता है, एम्बेडिंग वेक्टर, पोजिशनल इनकोडिंग क्या है, सेल्फ अटेंशन एंड कॉजल मास्क क्या है, एंड द बार्ट मॉडल की इम्पॉर्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या परफॉर्म कर सकता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेफ्ट एंड द राइट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो कि हमारा बार्ट मॉडल है वो बाई डायरेक्शनल है। जब बाई डायरेक्शनल मॉडल है तो बाई डायरेक्शनल लेफ्ट साइड से भी एग्जीक्यूट होता है, राइट साइड से भी, क्योंकि ये ट्रेनिंग के वक्त लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करता है प्रोबेबिलिटी में। तो ये मॉडल बाई डायरेक्शनल है, तो ये दोनों साइड से करता है, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। देन वी विल सी द प्री ट्रेनिंग, हम मास्क लैंग्वेज मॉडल टास्क कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन टास्क, बार्ट की फाइन ट्यूनिंग, जब हम लोग टास्क को यानी कि जब हम प्री ट्रेन कर लेते हैं फिर फाइन ट्यूनिंग का वक्त आता है कि प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून कैसे किया जाए, उसमें हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और क्वेश्चन आंसरिंग टास्क की बात करेंगे, यानी चैट बॉट जो बनते हैं हमारे क्वेश्चन आंसरिंग वाले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज मॉडल की। सो व्हाट इज़ द लैंग्वेज मॉडल? अ लैंग्वेज मॉडल इज़ द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट असाइन द प्रोबेबिलिटीज टू द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। इन प्रैक्टिस अ लैंग्वेज मॉडल अलाउ अस टू कंप्यूट द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, शंघाई इज़ अ सिटी इन, ये सेंटेंस है, इसने नेक्स्ट टोकन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के थ्रू प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लार्ज डेटा है, डेटा सेट है, कॉर्पस है जो कि लार्ज है, जिसमें बहुत दफ़ा आया है शंघाई इज़ द सिटी इन चाइना। जब वो बहुत दफ़ा आएगा डेटा डेटा में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उस कॉर्पस में बढ़ जाएगी, कॉर्पस यानी डेटा सेट। जब उसकी कॉर्पस में उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो खुद से प्रिडिक्ट कर देगा नेक्स्ट टोकन, हम उसको देंगे शंघाई इज़ द सिटी इन, वो खुद से प्रिडिक्ट करके हमें दे देगा ये तो चाइना है, शंघाई इज़ द सिटी इन द चाइना। वी यूजुअली ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क टू प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। अ न्यूरल नेटवर्क ट्रेन ऑन अ लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जब हम लोग बहुत बड़े डेटा सेट में अपने मॉडल को ट्रेन कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो हमने लैंग्वेज मॉडल की बात कर ली है, अब हम ट्रेनिंग की बात करेंगे। हाउ टू ट्रेन लैंग्वेज मॉडल? इमेजिन वी वॉन्ट ट्रेन आर लैंग्वेज मॉडल ऑन अ चाइनीज पोएम, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग वन, जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसके ली बाय ने लिखा गया, जो कि एक इंग्लिश में है और एक चाइनीज में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी गई है। सो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 10 टोकन लेंगे, हम लोग यानी कि इसका पहला सेंटेंस ले रहे हैं ट्रेन कराने के लिए। सो क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करके देंगे SOS, इट्स मीन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो जब हम लोग इनपुट देंगे सीक्वेंस, बिफोर माई बैट लाइज अ पुल ऑफ मून ब्राइट, जब इसको देंगे ये क्या करेगा, हमारा ये ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क में जाएगा, ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क से ये ट्रेन होके जब आएगा आउटपुट, आउटपुट भी 10 टोकन्स दिए थे हमने, तो 10 टोकन्स भी आएंगे वापस, क्योंकि इसको अगर हम लोग गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टोकन्स हैं। टोकन्स हम लोग कहते हैं एक सिंगल वर्ड को। सो
न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन होके उसने आउटपुट में सीक्वेंस दिया, तो ये क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा कि लॉस उसका कैलकुलेट करेगा। तो लॉस कैलकुलेट करके उसके वेट को अपडेट करेगा। तो ये देखें, रन बैक प्रोपोगेशन टू अपडेट द वेट। जब ये हमें लॉस बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा तो ये दोबारा ट्रेनिंग में जाएगा, तो दोबारा ट्रेन होके आएगा जब तक इसके वेट लॉस कम नहीं हो जाता। जब लॉस कम हो जाएगा तो हमारा मॉडल एक अच्छी प्रिडिक्शन करेगा। अब ये है टारगेट सीक्वेंस। जब हम लोग इनपुट देंगे और इसको टारगेट सेंटेंस, जब ये सही तरह परफॉर्म हो जाएगा हमारा, जब ये सही तरह ट्रेन हो जाएगा, तो ये हमें वही सेंटेंस प्रिडिक्ट करके दिया करेगा। और हम लोग सेंटेंस को इस तरह अरेंज करेंगे, एंड ऑफ सेंटेंस लिख के एक टोकन लगा देंगे ताकि इसको पता चले स्टार्ट यहाँ से हुआ है और उसको रुकना कहाँ है, वरना तो वो रुकेगा ही नहीं, पूरी पोयम तक करता रहेगा जब तक हम लोग पोयम चलाता रहेगा, हर तरह का टेक्स्ट चलाता रहेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इन्फेरेंस। इन्फेरेंस, हाउ टू इन्फेरेंस अ लैंग्वेज मॉडल। इमेजिन यू आर अ लेजी स्टूडेंट हु हैड टू मेमोराइज लाइफ बाय पोयम बट ओनली रिमेंबर द फर्स्ट टू वर्ड्स। हाउ डू यू सर्वाइव द एग्जाम। बिफोर माई प्रॉम्प्ट हमने दिया, बिफोर माई आस्क द लैंग्वेज मॉडल टू राइट द रेस्ट ऑफ द पोएम। मैं बिफोर माई लिखूँ, रेस्ट ऑफ द पोएम लिख दे, तो क्या होगा कि हम लोग इनपुट सीक्वेंस देंगे, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस देंगे, क्योंकि क्या होगा, बिफोर माई, बिफोर माई क्या करेगा, वो न्यूरल नेटवर्क में जाएगा। न्यूरल नेटवर्क जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके हमें दे देगा। बिफोर माई बैड उसने प्रिडिक्ट करके दे दिया। अपेंड द लास्ट टोकन टू द इनपुट। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में दो, इन दो वर्ड्स को लेंगे, माई बैड। माई बैड के बाद सबसे ज़्यादा जो वर्ड आ रहा होगा वो लाई, माई बैड। माई बैड के बाद सबसे ज़्यादा जो वर्ड प्रिडिक्ट होगा प्रोबेबिलिटी के ज़रिए वो लाइस होगा। बिफोर माई बैड लाइस। देन इस तरह दो दो वर्ड कर कर के हम लोग नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते रहेंगे। दो दो, देखें ये हमने दो वर्ड पुल ऑफ लिया, ये तो इससे हमें प्रिडिक्ट करवाया। पुल ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, मून आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला तो पता होगा कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया, मून लिख दिया, मून और दो हमने वर्ड लिख दिया, पुल ऑफ, पुल ऑफ। सो क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी, पुल ऑफ की प्रोबेबिलिटी चेक करेगा मून के रिस्पेक्टिव में कि मून कितनी दफ़ा किस परसेंटेज में आता है पुल ऑफ के बाद। इस तरह प्रिडिक्ट करते करते जब इसको एंड ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा EOS, तो यहाँ पे रुक जाएगा और हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता क्या है। सो हम आर्किटेक्चर, ये जो है ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्मर इनकोडर को देखते हैं कि इसमें लेयर्स बढ़ती रहती हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट को क्या करते हैं, इनपुट एम्बेडिंग कर देते हैं। इनपुट एम्बेडिंग में क्या होता है, हम लोग किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को नोमेरिक वैल्यू में तब्दील कर देते हैं, यानी कि नंबर्स में। जब नंबर्स में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं, इसको पोजीशनल इनकोडिंग करते हैं, पोजीशन देते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल माय नेम इस नोमान, सो मेरा नाम नोमान है, ये अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो ये है। सो मैं क्या करूँगा, इसको पोजीशन दे दूँगा, इसको 0 पोजीशन, इसको 1, इसको 2, इसको 3 पोजीशन दे दूँगा। देन हम क्या करेंगे, अटेंशन मैकेनिज्म, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म, यानी कि हर एक वर्ड का बहुत सारे प्रोबेबिलिटी हमने निकाली अटेंशन के लिए, कि वेट असाइन कर दिया हर वर्ड का। तो हम लोग जब इनपुट देंगे, हर वर्ड का जो वेट सबसे हाईएस्ट वेट होगा उसको कंसीडर करते हुए प्रिडिक्ट करेगा। मे बी हमारे ऐसे वर्ड्स हों जो कि हमें ज़्यादा फीजेबल ना हो हमारे इनपुट के लिए, तो उसका वेट कम कर देगा अटेंशन मैकेनिज्म। एड एंड नॉर्म करेंगे बे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क।
फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को पता है कि नोड्स होते हैं, उसमें एक हिडन लेयर्स होती है, फिर आउटपुट लेयर होते हैं, तो क्या करेगा वो, इस तरह एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर देगा। इस तरह न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर देगा, इनपुट देंगे तो आउटपुट जनरेट करके देगा। अब हम बात करते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स क्या है। एम्बेडिंग वेक्टर्स मैंने बताया था कि क्या करेगा, कि वो हर एक अल्फ़ाबेट जो होगा हमारा, अल्फ़ाबेट कह रहा हूँ, वर्ड को एक एम्बेडिंग यानी कि एक साइज़ देगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 512 साइज़ है वेक्टर का, यानी एक वर्ड 512 नंबर्स जो हैं उससे रिप्रेजेंट हो रहा है। और जैसे कि मैंने पोजीशन की बात की थी कि हर एक वर्ड की कोई ना कोई पोजीशन नंबर हम लोग दे देंगे उसको प्रेडिक्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट इन द ओरिजिनल पोएम, पुल पुल में ये एक नंबर दे दिया, इंडेक्स नंबर हमने, इनपुट नंबर, और उसका 512 यानी कि 512 हमने एक एम्बेडिंग वेक्टर बना दिया, जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर यानी कि वेट असाइन कर दिया हमने एक 512 वेक्टर के, जिससे उसकी इम्पोर्टेंस की बारे में हमें पता चलेगा इन प्रिडिक्शन। व्हाई डू वी यूज़ वेक्टर टू रिप्रेजेंट द वर्ड? गिविंग द वेक्टर वर्ड्स कैरी डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन। इफ़ वी रिप्रेजेंट द एम्बेडिंग वेक्टर यूजिंग ओनली टू डायमेंशन एंड द वी प्लॉट डैम, वी होप टू सी समथिंग लाइक दिस। द एंगल बिटवीन द वर्ड सिमिलर मीनिंग इज स्मॉल, वाइल द एंगल बिटवीन विद द डिफरेंट मीनिंग इज बिग। सो द एम्बेडिंग कैप्चर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दे रिप्रेजेंट बाय द प्रोजेक्टिंग दैम इन टू द हाई डायमेंशन स्पेस ऑफ साइज डी मॉडल। तो इसमें बताने की बात यह है कि इंफॉर्मेशन और जो हमारा डिजिटल है, उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की, या सिमिलर वर्ड्स की, कह सकते हैं कि 60-70% ये वर्ड मेल खाता है, यानी कि सिमिलर होता है। जबकि चेरी जो है एक फल है यानी फ्रूट है, तो वो बिल्कुल ही अलग है, तो उसका एंगल देखेंगे बिल्कुल ही एंगल अलग हो रहा है, जबकि डिजिटल और इंफॉर्मेशन का एंगल थोड़ा मिलता जुलता है। वी कॉमनली यूज द कोसाइन सिमिलैरिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वैक्टर। कोसाइन सिमिलैरिटी चेक करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग उसकी वेट निकालते हैं कि उसकी कितनी सिमिलर वेट है बाकी वर्ड्स के साथ। पोजिशनल इनकोडिंग, पोजिशनल इनकोडिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोजिशन भी हमें बतानी होगी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास SOS स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है, उसका हमने एम्बेडिंग वेक्टर निकाला, देन उसकी एम्बेडिंग वेक्टर का हमने POS भी निकाला, पोजिशन ऑफ सेंटेंस भी निकाला। तो हम क्या करेंगे, ओनली कंप्यूट वंस एंड री यूज फॉर द एवरी सेंटेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। एक दफ़ा ही ये निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो वेक्टर निकाला है, वेक्टर की पोजिशन है, ये ज़ीरो पोजिशन है इसकी यहाँ पे, और इसकी वन है, इसकी टू है, इसकी थ्री है, इसकी फोर है, इसकी फाइव है, इसकी सिक्स है, इसकी सेवन है, इसकी एट है, इसकी नाइन है, तो इस तरह हमारी है। तो हम क्या करेंगे, हर वेक्टर का जो होगा उसको हम लोग ज़ीरो वन, इस तरह ये जाते 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 नीचे ये क्या करेगा, ज़ीरो फाइव ट्वेल्व तक जाएगा, फाइव ट्वेल्व तक, क्योंकि हमारा 512 इनपुट वेक्टर साइज है। ये देख सकते हैं हम 511 तक जा रहा है, क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट लेता है तो 511 तक जाएगा, वन से स्टार्ट लेता तो वन से 512 तक जाएगा। इस तरह देखें, पोजीशन इसकी वन थी तो 101 112 131 5511 तक जाएगा। इस तरह सारे हमारे वेक्टर्स इस तरह जाते रहेंगे। फिर क्या होगा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट द इनकोडर इनपुट। इनकोड कर दिया हमने पोजीशंस को विद द एम्बेडिंग वेक्टर। जब हमने इन दोनों को एपेंड कर दिया आपस में, तो हमें एक इनकोडर मिल गया। ईच टोकन इज कन्वर्टेड इनटू द पोजीशन इन द वोकैबुलरी, देन वी ट्रांसफॉर्म ईच इनपुट आई डी इंटू अ एम्बेडिंग वैक्टर ऑफ 512। वी एट ईच टोकन
अ वेक्टर ऑफ साइज 5 टाइम दैट इंडिकेट इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, तो वो इनकोड हो गया क्योंकि उसको पोजीशन भी पता चल दी, वेक्टर भी पता चल गया, तो वो इनकोड यानी कि एक छुप सा गया, यानी इनकोड करना उसको डिकोड करना, इतना तो आपको पता ही होगा एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे हाउ टू कंप्यूट पोजिशनल इनकोडिंग। पोजिशनल इनकोडिंग के लिए हमारे पास ये होता है पोजिशनल इनकोडिंग, जिसमें हम लोग पोजिशन ऑफ सेंटेंस देते हैं और 2i = sin पोजिशन ऑफ सेंटेंस अपॉन 10,000 मॉडल। ये हमने एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन इनकोडिंग करते हैं। पोजीशन इनकोडिंग इससे हम लोग अपने सेंटेंस को प्रिडिक्ट भी करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं सेंटेंस वन सेंटेंस टू, और आप देख सकते हैं दोनों में से जो सिमिलर होंगे वो हम लोग प्रिडिक्ट करवाने के, जैसे बिफोर आई, बिफोर के बाद क्या आना है आई, माई लव, माई के बाद क्या आना है माई लव आना है बैट यू, इस तरह हम लोग प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। सेल्फ अटेंशन कॉजल मास्क क्या होता है, द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है कि हम लोग एक वेट असाइन कर देते हैं अपने मैट्रिक्स में, यानी कि अपने हर एक वर्ड को एक वेट असाइन कर देते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है उसकी वेट ज़्यादा हो जाती है। जब हम इनपुट देते हैं जिसके वेट्स कम होते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते इनपुट में, और ज़्यादा वेट वाले को हम लोग कंसीडर करते हैं। जब हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, अभी तो ये सेंटेंस हमें पता है कि हमारे डेटा सेट में है, जब हमारे डेटा सेट में हम लोग कोई अनसीन डेटा देंगे तो उस अनसीन डेटा में से वो वही वाले वर्ड्स को कंसीडर करेगा प्रिडिक्शन कराने के लिए जो इम्पॉर्टेंट होंगे। मैट्रिक्स ऑफ द शेप 5, 10, 5, 12 वेयर ईच रॉ रिप्रेजेंट अ टोकन इन द इनपुट सीक्वेंस, ईच टोकन इज कन्वर्टेड इंटू पोजिशन इन द वोकैबुलरी, देन वी ट्रांसफॉर्म ईच इनपुट आई डी इंटू द एम्बेडिंग वैक्टर ऑफ 5, 12 एंड एड इट टू द पोजिशनल पोजिशन वैक्टर। हमने जब इनकोड करा है इसी तरह इसको डी कोड भी करेंगे। हमने सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म इनपुट में अपेंड कर दिया, तो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म जो होता है हमारा, उसको हम लोग मल्टी हेड भी कहते हैं। इन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल वी एम्प्लॉय द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म विच मीन द क्यूरी की एंड वैल्यू। उसमें हम लोग एक क्यूरी देनी होती है, एक की देनी होती है और एक वैल्यू देनी होती है। सो वी कैन सी दैट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अटेंशन मैकेनिज्म को, की वैल्यू क्यूरी की वैल्यू और वेक्टर देने के बाद, जो कि कैलकुलेट करता है हमारा न्यूरल नेटवर्क ही हमें प्रोवाइड करता है बाय ट्रेनिंग, उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको सॉफ्ट मैक्स फंक्शन से गुजारते हैं। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या करता है, सॉफ्ट मैक्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ड माई विद द वर्ड बैड थैंक्स टू द सॉफ्ट मैक्स ईच रॉ सम टू वन। इस तरह क्या करेगा, जब हम लोग ये वाला सम सॉफ्ट मैक्स फंक्शन चलाएंगे, वो इसको सम करेगा डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए, तो वो एक वैल्यू जनरेट करके देगा वेट की हमें। तो हम देख सकते हैं 10-10 वाली जो हमारी 10-10 पोजीशन है बैट की आ रही है 10-10 पोजीशन, तो वो उसकी एक वेट असाइन कर दिया उसने उस वेक्टर का अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू। द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म द रीज़न बिहाइंड द कॉजल मास्क, आर लैंग्वेज मॉडल इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट असाइन द प्रोबेबिलिटी टू द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। इन प्रैक्टिस अ लैंग्वेज मॉडल अलाउ अस टू कंप्यूट द फॉलोइंग, चाइना शंघाई इज अ सिटी, चाइना इज द नेक्स्ट टोकन, तो क्या करेंगे हम, शंघाई इज अ सिटी इन, इनके बाद क्या होगा चाइना आएगा। तो हमारा राइट लेफ्ट से भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट तलाश कर सकते हैं और राइट से भी कॉन्टेक्स्ट। इनकेस हमने दे दिया इट इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल सेंटर, तो वो हमें फिर भी चाइना ही प्रिडिक्ट करके देगा। द मॉडल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अबव ईच वर्ड शुड ओनली डिपेंड ऑन द वर्ड दैट कम बिफोर इट लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। वी विल सी लेटर द बार्ट वी मेक यूज ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। इससे पहले जो हमारा प्रोबेबिलिस्टिक जो मॉडल होता था वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता था, अगर लेफ्ट में जो होगा वही कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी कि इसके ये शंघाई इज़ अ सिटी इनसे ये निकाल सकता था नेक्स्ट को टोकन, जबकि बाई डायरेक्शनल क्या है वो लेफ्ट से भी निकाल सकता है और राइट से भी निकाल सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल सेंटर, इफ़ वी से दैट
इट विल आउट गिव आउटपुट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ बाई डायरेक्शनल आर्किटेक्चर. सो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, कॉजल मास्क की बात हो रही है. तो कॉजल मास्क को हम लोग कुछ इस तरह इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. एक सिग्मा का फॉर्मूला है, ये सॉफ्ट मैक्स का फॉर्मूला है. तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमने पोजीशन निकाली है उसको हम लोग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो हमने अटेंशन की वैल्यूज निकाली है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर से, अपने वेक्टर से कराएंगे. तो एक हमें इंटेंशन आउटपुट जनरेट करके देगा. ईच रो ऑफ द अटेंशन आउटपुट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द एम्बेडिंग ऑफ द आउटपुट सीक्वेंस. इट कैप्चर नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ ईच टोकन, नॉट ओनली इट्स पोजिशन, बट ऑल्सो द इंटरेक्शन ऑफ ईच टोकन विद द अदर टोकन, बट ओनली इन इंटरेक्शन ऑफ ईच द सॉफ्ट मैक्स स्कोर इट्स नॉट ज़ीरो. जिसका नॉट ज़ीरो, देखें जब सॉफ्ट मैक्स लगेगा या तो ज़ीरो आएगा या तो कोई वन या 0.5 आएगा, इस तरह ही नंबर आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा. तो अगर वो ज़ीरो होगा तो उस वाले वर्ड की वैल्यू नहीं होगी, और जो नॉन ज़ीरो होंगे उनकी वैल्यू होगी उस इनपुट में. इंट्रोड्यूसिंग द बार्ट. बार्ट आर्किटेक्चर इज मेड अप ऑफ द लेयर ऑफ द इनकोडर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल. बार्ट बेस 12 इनकोडर लेयर होती हैं इसमें. द साइज ऑफ द हिडन साइज ऑफ द फीड फॉरवर्ड लेयर इज 3072. ऑफ 12 अटेंशन हेड्स होते हैं, मैंने जैसे कि बात बात बताई थी, मल्टी हेड अटेंशन होता है इसमें. बार्ट के बेस मॉडल में, बार्ट के लार्ज मॉडल में 24 इनकोडर लेयर्स होती हैं. ये लार्ज लैंग्वेज है जाहिर सी बात है. द साइज ऑफ द हिडन साइज ऑफ द फीड फॉरवर्ड लेयर इज 4096. कि हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है तो ये थाउजेंड्स में जा रहा है इसका हिडन साइज. 16 अटेंशन हेड्स होते हैं. डिफरेंट विद द वेनिला ट्रांसफार्मर. वेनिला जो बेसिक हमारा ट्रांसफार्मर मॉडल है, द एम्बेडिंग वेक्टर इज 768 एंड 1024. बहुत कम होती हैं उसमें, वो भी लार्ज मॉडल ही कहलाता है, बट स्टिल दे आर बिट बिट मोर लोअर मॉडल देन द बार्ट मॉडल. पोजिशनल एम्बेडिंग आर एब्सोल्यूट एंड लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड लिमिटेड टू पोजिशन 512 पोजिशन. द लीनियर लेयर हेड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन. इसमें क्या होता है, 512 पोजिशन होती हैं वैक्टर्स की. आई यूज द वर्ड पीस टोकनाइजर विच ऑल्सो अलाउ सब वर्ड टोकन्स. द वोकैबुलरी साइज इज 3000 टोकन्स. हमारी एक लाइब्रेरी है वर्ड पीस जो कि टोकनाइज करेगी और सब वर्ड्स को भी टोकनाइज करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल के अनहैप्पी 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 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अनहैप्पी, तो क्या करेगा वो अन को भी अलग से करेगा, हैप्पी को भी करेगा टोकनाइज, और वो अनहैप्पी को भी अलग से करेगा. इस तरह क्या हो रहे हैं, तीन वर्ड जनरेट हो रहे हैं हमारे. एक रूट वर्ड जनरेट हो रहा है, एक जो वर्ड दोनों साथ से हो रहे हैं, एक जो उसका प्रीफिक्स है वो भी हो रहा है. आउटपुट लेयर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टास्क. इसमें आपकी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह परफॉर्म करता है ये. अगर बार्ट की हम लोग बात करें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, बाकी जो हमारे हैं जो GPT LLaMA है, जो बार्ट है स्टैंड फॉर द बाई डायरेक्शन इनकोड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स. अनलाइक कॉमन लैंग्वेज मॉडल, बार्ट डज नॉट हैंडल स्पेशल टास्क विद प्रॉम्प्ट, बट रेदर इट कैन बी स्पेशलाइज ऑन द पर्टिकुलर टास्क बाई मीन्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग. ये हमारे स्पेशलाइज प्रॉम्प्ट को नहीं करता टास्क, क्योंकि ये आप देख सकते हैं GPT, आप जब आप गूगल जेमिनाई यूज़ करते होंगे वो उस तरह टास्क परफॉर्म नहीं करता जैसे GPT करता है. क्योंकि इस क्योंकि हमारा जो जेमिनाई है वो भी इसी का एडवांस मॉडल में ही, बार्ट के एडवांस मॉडल में ही बना हुआ है. तो इसमें क्या होता है, हमें फाइन ट्यूनिंग करनी होती है उसकी प्री ट्रेन मॉडल की. अनलाइक कॉमन लैंग्वेज मॉडल, बार्ट हैज़ बीन ट्रेन यूजिंग द लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट एंड द राइट कॉन्टेक्स्ट. अनलाइक जो अदर मॉडल हैं वो एक अलग अप्रोच से ट्रेन होते हैं, जबकि बाय डायरेक्शन लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट भी लेता है राइट कॉन्टेक्स्ट भी लेता है. यूजिंग कॉमन लैंग्वेज मॉडल, बार्ट नॉट बिल्ट स्पेशली फॉर टेक्स्ट जनरेशन.
बार्ट जो है हमारे टेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। अनलाइक कॉमन लैंग्वेज मॉडल, बार्ट हैज़ नॉट बीन ट्रेन ऑन द नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन टास्क बट रेदर ऑन द मास्क लैंग्वेज मॉडल एंड द नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन मॉडल। हमारा जो बार्ट मॉडल है वो नेक्स्ट वर्डिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बना, जबकि वो नेक्स्ट सेंटेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए असल में बना है, मास्क लैंग्वेज मॉडल के लिए बना है कि अगर हम लोग एक लिखें कोई वर्ड तो वो मास्क कर दे उस वर्ड के अलावा। कॉमन लैंग्वेज मॉडल्स GPT-L LAMA है जो कि बहुत पॉपुलर है। टास्क इन GPT-LLAMA वर्सेस बार्ट, क्वेश्चन आंसरिंग इन GPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाते हैं जब हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, जबकि क्वेश्चन आंसरिंग इन बार्ट इज़ कॉल्ड द फाइन ट्यूनिंग। उसको हम लोग फाइन ट्यून ऐसे क्वेश्चन हम लोग जनरेट करवा फाइन ट्यून करते हैं कि वो आंसर हमें करेक्ट दे। प्री ट्रेन बार्ट देन फाइन ट्यून ऑन द Q&A। प्री ट्रेन मॉडल लिया एक बहुत बड़े कॉर्पस में, हमने बार्ट को ट्रेन करवा दिया, फिर उसको फाइन ट्यून करवाया हमने किसके लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, अपने जो सादा सा हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लेफ्ट टू राइट कॉन्टेक्स्ट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लेफ्ट टू राइट कॉन्टेक्स्ट, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट इज यूज फॉर द एग्जाम्पल इन द फोन कॉन्वर्सेशन। हेलो माई इंटरनेट लाइन इज नॉट वर्किंग, कुड यू सेंड अ टेक्नीशियन। हेलो लेट मी चेक, मीन वाइल कैन यू रिस्टार्ट योर वाई फाई राउटर। आई हैव ऑलरेडी रिस्टार्टेड इट बट लुक लाइक द राइट लाइट इज नॉट गोइंग अवे। ऑल राइट आई विल सेंड सम वन। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है, हम लोग अगर सेंटेंस लिख रहे हैं हेलो माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, तो ये कुड यू सेंड अ टेक्नीशियन, तो ये लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को भी ले रहा है, राइट कॉन्टेक्स्ट को भी ले रहा है, और हमें एक मीनिंगफुल आंसर जनरेट करके दे रहा है। आप इसमें देख सकते हैं। सो इंस्टेंट ऑफ सेइंग द डायरेक्टली योर फेवरेट नेकलेस हैज़ बीन बाय, आप देखें इसमें, इमेजिन देयर इज अ किड हु जस्ट ब्रोक हिज मदर फेवरेट नेकलेस। द किड डस नॉट वांट टू टेल द ट्रूथ टू हिज मदर, सो ही डिसाइडेड टू मेक अप अ लाई। सो इंस्टेंट ऑफ सेइंग द डायरेक्टली योर फेवरेट नेकलेस हैज़ ब्रोकन, द किड मे से मॉम आई जस्ट सॉ अ कैट प्लेइंग इन योर रूम एंड योर फेवरेट नेकलेस हैज़ बीन ब्रोकन। Or it may be say, Mom, alien came through your window with laser gun and your favorite necklace has been broken. तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आप उसमें घुमा के बच्चा क्या कर रहा है कि उसने तोड़ दिया है उसका अपनी मदर का नेकलेस, बट ही डोंट वॉन्ट टू टेल ट्रूथ टू हिज मदर, सो ही जस्ट कीप द टॉकिंग randomly things to his mother. तो क्या कर रहा है कि वो शुरू में अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहा है, देन वो अपना फिर सच बता रहा है, इससे क्या हो उसको डांटना पड़े। तो क्या हो रहा है, हमें कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, योर फेवरेट नेकलेस हैज़ ब्रोकन, बट ये है कहानी। तो लेफ्ट जो है हमारा राइट से जो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो मेन चीज़ है हमारी, जबकि लेफ्ट से राइट वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो हमारा बाय डायरेक्शन इसमें बहुत अच्छी तरह काम करता है। एज़ यू कैन सी वी कंडीशन द लाई ऑन वॉट वी वॉन्ट टू से नेक्स्ट, वॉट एवर द लाई वी मेक अप इट विल बी ऑलवेज कंडीशन ऑन द कंक्लूजन वी वॉन्ट टू अराइव टू द नेक्स्ट नेकलेस बीन ब्रोकन। अब बात प्री ट्रेनिंग की बात करते हैं हम लोग, तो क्या करेगा अब फॉर एग्जाम्पल मास्क लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज द क्लोज टास्क भी कहते हैं इसको। इट्स मीन द रेंडमली सेलेक्टेड वर्ड इन द सेंटेंस आर मास्क, कि रेंडमली एक वर्ड को हम लोग मास्क कर देंगे इस तरह, टोकन एक मास्क टोकन बना देंगे, एंड द मॉडल मस्ट प्रिडिक्ट द राइट वर्ड गिविंग द लेफ्ट एंड द राइट कॉन्टेक्स्ट। उसके लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट से उसका नया वर्ड उसको प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली विच वाई इट्स होस्ट मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। Randomly select one or more token and replace with the special token mask. हम क्या करें, इसको mask कर दें tokens को और sentence दे दें। जब वो sentence देंगे हम लोग model को तो क्या करेगा, हमें capital predict करके दे देगा mask की जगह, जो कि जबकि इसको training के वक्त हमने बताया कि ये sentence है, जबकि उसमें हमने
जब इनपुट दिया तो उसमें हमने कैपिटल नहीं दिया, उसको सिर्फ हमने मास क्लिक के दे दिया, मास कर दिया, वो उसने प्रिडिक्ट करके हमें बता दिया यहाँ पे कैपिटल आएगा। तो लेफ्ट टू राइट कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला कुछ यूज़ करते हैं, बाय डायरेक्शनल। ईच टोकन अटेंड टोकन टू द लेफ्ट एंड द राइट टू द राइट इन द सेंटेंस। मास्क लैंग्वेज मॉडल डिटेल्स, रोम इज कैपिटल ऑफ इटली विच इज वाई इट्स होस्ट मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग। द प्री ट्रेनिंग प्रोसीजर सेलेक्ट 15% ऑफ द टोकन फ्रॉम द सेंटेंस टू बी मास्क। वैन अ टोकन इज सेलेक्टेड टू बी मास्क, सपोज द वर्ड कैपिटल इज सेलेक्टेड, 80% ऑफ टाइम इज रिप्लेस विद द मास्क टोकन। रोम इज द मास्क ऑफ इटली विच इज वाई इट्स होस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग, 10% ऑफ द टाइम रिप्लेस विद द रैंडम टोकन। रोम इज ज़ेब्रा ऑफ इटली विच वाई इट इज होस्ट द गवर्नमेंट बिल्डिंग, 10% ऑफ द टाइम इज नॉट रिप्लेस, तो ये रिप्लेस ही नहीं करेगा 10% ऑफ टाइम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली विच इज वाई इट्स होस्ट मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सो यही हम लोग बात कर रहे थे कि इनपुट हम लोग देंगे मास्क वाला, मास्क करके देंगे तो ये हमारे न्यूरल नेटवर्क में जाएगा, ये आउटपुट जनरेट करके देगा, फिर एक लॉस फंक्शन में जाएगा। तो जब तक वेट अपडेट करेगा, जब तक हमें लॉस कम से कम नहीं हो जाता, लॉस कम से कम होगा तो हमें आउटपुट में यानी टारगेट में कैपिटल रिपीट यानी कि प्रिडिक्ट करके दे देगा। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन टास्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेंटेंस हैं, मैनी डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल चूजिंग द राइट आंसर गिविंग फोर चॉइस रिक्वायर्ड लर्निंग रिलेशन बिटवीन द सेंटेंस रेदर देन सिंगल टोकन, दैट्स वाई द बार्ट हैज बीन प्री ट्रेन ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन। सेंटेंस ए है हमारे पास, बिफोर माई बेड लाइज अ बॉल ऑफ द मून ब्राइट, आई कुड इमेजिन दैट इट फ्रॉस्ट ऑन द ग्राउंड। एंड सेंटेंस बी, आई लाइक अप एंड सी द ब्राइट शाइनिंग मून बोइंग माई हेड, आई एम थिंकिंग ऑफ द मून होम। 50% ऑफ टाइम वी सेलेक्ट द एक्चुअल सेंटेंस, 50% ऑफ द टाइम वी सेलेक्ट द रैंडम सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या होगा, ये दो हमारे सेंटेंस हमने मॉडल को देंगे, तो इस नेक्स्ट एंड नॉट नेक्स्ट, ये हमें या तो नेक्स्ट देगा ना या तो नेक्स्ट नहीं देगा सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन मॉडल जो है हमारा सेगमेंटेशन एम्बेडिंग। हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड को सेगमेंट दे देंगे एक टोकन एम्बेडिंग में, एम्बेडिंग ऑफ CLS, एम्बेडिंग ऑफ MAE, उसको प्लस कर देंगे सेगमेंट एम्बेडिंग से, देन वी विल प्लस विथ एड विथ पोजिशन एम्बेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, बिफोर माई बैड लाइज अ पोल ऑफ द मून ब्राइट, और हमने ये CLS और SEP जो है हमने ये सेंटेंस इसको वो कर दिए, हमने एक टोकन्स लगा दिए, CLS यानी स्टार्ट हो रहा है, SEP यानी ख़त्म हो रहा है। सो ये हमारे दो सेंटेंस जाएंगे, तो टोकन्स हमारे क्या होंगे, ट्रेन होके लीनियर लेयर में जाएंगे, और प्लस सॉफ्ट मैक्स उसमें एक हमारा फंक्शन लगेगा, लॉस फंक्शन होगा जब तक वेट अपडेट करेगा, जब तक हमें सही नहीं मिल जाता नॉट नेक्स्ट। तो ये हमें सेगमेंटेशन इसने करके दे दी टेक्स्ट के, नॉट नेक्स्ट आना है इसके बाद। CLS टोकन इन पार्ट, हम लोग CLS टोकन जनरेट करेंगे तो इस तरह करेंगे, द CLS टोकन ऑलवेज इंटरेक्ट विद ऑल अदर टोकन्स एंड वी डू नॉट यूज एनी मास्क, वी कंसीडर CLS टोकन एज अ टोकन द कैप्चर द इंफॉर्मेशन, जो कि कैप्चर इंफॉर्मेशन के लिए टोकन यूज करते हैं हम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन, जो हम लोग CLS की कैलकुलेशन करेंगे, एक वेट्स बनाएंगे, उसको वेक्टर एम्बेडिंग से मल्टीप्लाई करके अटेंशन आउटपुट जनरेट करेंगे। अब हम लोग बार्ट फाइन ट्यूनिंग में आ जाते हैं, कि हमारे पास प्री ट्रेन बार्ट मॉडल है, उसको हम लोग फाइन ट्यून कर सकते हैं ऑन अ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, या हम लोग एक चैट बॉट बना सकते हैं भाई फाइन ट्यून करके क्वेश्चन आंसरिंग में। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द टास्क असाइन अ लेबल टू द पीस ऑफ द टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इमेजिन वी आर रनिंग एन इंटरनेट प्रोवाइडर एंड वी रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम आवर कस्टमर, वी मे वांट टू
क्लासीफाई रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द यूज़र एंड हार्डवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड बिलिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हमने एक हम लोग इसमें जैसे कि इंटरनेट हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमें हमें उसमें कंप्लेन एक देने जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें कंप्लेन कर रहे हैं। तो एक ने हमें एक हार्डवेयर प्रॉब्लम को सेंटेंस लिख के दिया, एक ने बोला हमारे भाई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो रही है, एक कह रहा है भाई मेरे बिलिंग का मसला है। तो क्या करेगा बार्ट को हम लोग ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करवाएंगे, एक अपना डेटा सेट दे के एक प्री ट्रेन मॉडल में, वो क्या करेगा हमें सेगमेंट बना के क्लासीफाई करके देगा। अगर मैं ये वाला सेंटेंस डालूँगा तो वो ये खुद हमें मुझे बता के देगा कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, अगर सॉफ्टवेयर की होगी वो खुद बताएगा सॉफ्टवेयर की, बिलिंग की होगी तो वो खुद बताएगा बिलिंग की है, क्योंकि सेंटेंस में पता चल रहा है हम ट्रेन करवाएंगे तो वो समझ सकता है कि बिलिंग का और ये बात यहाँ पे या सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की। सो ये क्या करेगा हमारा मॉडल, माई राउटर लीड नॉट वर्किंग, आई ट्राई चेंजिंग द पावर सॉकेट बट इट स्टिल नॉट वर्किंग। तो क्या करेगा ये हमारे ट्रेन मॉडल में जाएगा और ये हमें हार्डवेयर का बता देगा, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है, क्लासिफाई कर देगा। तो देख सकते हैं आप हमारा इनपुट गया, ये हमारा ये फाइन ट्यूनिंग के लिए डेटा गया, यहाँ पे ट्रेन हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ, लीनियर लेयर हुई, लॉस फंक्शन में गया, लॉस फंक्शन में जब तक इसका लॉस वैल्यू सबसे कम नहीं हो जाती, वेट अपडेट होता रहेगा बैक प्रोपोगेशन से, देन वी विल गेट द हार्डवेयर इन आंसर। क्वेश्चन आंसरिंग टास्क, क्वेश्चन आंसरिंग टास्क में क्या होगा, क्वेश्चन आंसरिंग टास्क में एक होगा, एक कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा, कॉन्टेक्स्ट में हम लिख देंगे शंघाई इज़ अ सिटी इन चाइना, इट आल्सो अ फाइनेंशियल सेंटर इज, इट्स फैशन कैपिटल इंडस्ट्रियल सिटी। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट होगा उसका हम लोग क्या देंगे, एक इनपुट फाइन ट्यूनिंग करवाने के लिए क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज़ द फैशन कैपिटल ऑफ चाइना। फिर उसका हम लोग आंसर भी देंगे कॉन्टेक्स्ट में, शंघाई इज़ अ सिटी इन चाइना, इट्स आल्सो अ फाइनेंशियल सेंटर, इट्स फैशन कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल सिटी, द मॉडल हैज़ टू हाईलाइट द पार्ट टेक्स्ट दैट कंटेन द आंसर, टू प्रॉब्लम वी विल फेस इन इट, वी नीड टू फाइंड द वे टू बार्ट टू अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ द इनपुट इज द कॉन्टेक्स्ट, कौन सा पार्ट हमारा इनपुट का कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो फिर वही आंसर जनरेट करके देगा। हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो कॉन्टेक्स्ट में देखेगा कि कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, फिर उसका आंसर जनरेट करके देगा हमें। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वे टू टेल अस आंसर स्टार्ट एंड द वेयर इट्स एंड। तो हमें क्या होना करना होगा, स्टार्ट ऑफ एक टोकन बनाने होंगे, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस का एंड द एंड ऑफ सेंटेंस का, कि इसको पता होना चाहिए कहाँ पे स्टार्ट होना है, कहाँ पे हमें एंड होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्पैन और एंड स्पैन हम लोग इसमें इसको बताएंगे, क्वेश्चन एंड पैराग्राफ, ये सेंटेंस वन है टू है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट एंड द एंड पोजिशन। देखें आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्टार्ट टू स्टार्ट की पोजिशन बताई हुई एंड की, उसी तरह ये ट्रेन होगा कि हम लोग सेंटेंस देंगे उसको और इनपुट में, तो क्या करेगा वो ट्रेन होगा, वो ट्रेन होके लॉस फंक्शन में जाएगा, लॉस फंक्शन में जब तक वेट उसके अपडेट होते रहेंगे जब तक लॉस उसका कम नहीं हो जाता, लॉस कम होगा तो फिर हम लोग क्या होगा टारगेट अचीव कर लेंगे कि ये वाले टोकन से 10 टोकन 10 से टोकन 10 तक चलेगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन AI एंड मशीन लर्निंग। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, होपफुली आई विल ट्राई टू अपलोड द अदर वीडियोस एज वेल ऑफ डीप लर्निंग, क्योंकि मैंने देखा है अब तक मैंने कोई इतना कोई अच्छा चैनल नहीं देखा डीप लर्निंग जो एक नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझा सके। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।